इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के भैरव घाट पर बने मल्टी कॉम्प्लेक्स रेव 3 को तत्काल गिराने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण को और साथ ही रेव 3 इंटरनेट पर 15 लाख का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने यह फैसला कृषक और मजदूर पशुपालक विकास सेवा समिति की याचिका की सुनवाई पर दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक इस मामले में केडीए और साथ ही रेव 3 की मिलीभगत सामने आई है, जिसमें केडीए ने इस जमीन पर कानपुर हाट बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जो स्वीकार भी किया गया। इसके बाद रेव को इस जमीन का ठेका मिला और साथ ही केडीए और रेव 3 की मिलीभगत भी इसके बाद सामने आई। रेव 3 ने, आपको बता दें, शॉपिंग और साथ ही मल्टी कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया। मार्च 2019 को दिन में 2 बजे आदेश जो है कल अनाउंस हुआ, सुधीर अग्रवाल जी और अजीत कुमार जी की डबल बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया है। उसमें मुख्य चीज़ ये है कि ये रेव 3 का जितना भी इनको आवंटन वगैरह हुआ है लैंड, ये रद्द करा जाएगा। रेव 3 को पूरा गिरा करके आयुर्वेदिक बगीचा जो है वापस कायम करा जाएगा, वो रेव 3 के कॉस्ट पे होगा। इसके अलावा सरकार, राज्य सरकार, केडीए और रेव 3 मिलकर के 15 लाख रुपये तीनों बराबर बराबर जुर्माना भरेंगे। और तीसरी चीज़ कि इसके अंदर बड़ी लंबी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, गंभीर लेवल की, इंडिपेंडेंट, मगर इतना विलंब हो चुका है कि यदि हम ये सरकार के ऊपर छोड़ते हैं, राज्य सरकार के ऊपर, ये इस पर इंक्वायरी करें और दोषियों को सजा भी दे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लें और जो इनके ऊपर जुर्माना लगा उसकी वसूली करें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।